उधर केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जगजाहिर करने के लिए बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा स्तर पर स्थानीय सांसद मोदी सरकार का 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ में एक एक कर केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत भी की है। लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मंत्री जी, कौन सी प्रमुख उपलब्धियां हैं 9 साल की मोहनलालगंज क्षेत्र की जिनको आप सामने रखना चाहते हैं? देखिए, मोहनलालगंज क्षेत्र में लगभग सभी गाँव को सड़कों से जोड़ा गया है। बिजली पहले नहीं मिलती थी, सभी गाँव में बिजली के कनेक्शन मुफ्त में हो गए, सबको बिजली मिल रही और 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में भी मोहनलालगंज में लोकसभा में बिजली मिलने का काम हो रही। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे मोहनलालगंज के विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर में आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा वहां पे स्थापित की गई है और जिसकी वजह से एक बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है और पूरे लखनऊ को शहर को बहुत बड़ी जो बाहर का ट्रक वगैरह गाड़ियां आकर के जो एक बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता था उसके लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 104 किलोमीटर की 105 किलोमीटर की किसान पथ बनवाया है और जो लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ रह गया है जो 2024 तक के चालू हो जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धियां हमारे क्षेत्र में हो रही हैं। बाकी सभी को विकास के काम, लोगों को गाँव तक के जोड़ने का काम, योजनाएं बन रही हैं, तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल में ज़मीन में हैं, लोगों को बिजली मिल रही, सोलर लाइट दिए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं लोगों को देने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार कितनी चुनौती आप देख रहे हैं? 24 है, बड़ा मिशन है, पार्टी का दावा हम 80 सीटें जीतेंगे, किससे आपको टक्कर लग रही, कहाँ मुश्किल लग रही है, क्या आकलन कर रहे हैं आप अभी? 2014 में 73+ सीटें जीते थे, जब सपा बसपा एकजुट होकर लड़ी 2019 में तो 64 सीटें जीते हैं। इस बार जो है 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे लीडर हैं, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाए हैं और जनता के बीच में हमारी सरकार, जनता के बीच में योगी जी की, मोदी जी की सरकार जन पहुंच रही, जन जन के द्वार जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है, लोगों को विकास के काम के लिए और अपना लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही है, पूरे 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम कर रही है, इसलिए 80 की 80 सीटें जीतेंगे, कोई टक्कर में नहीं है। आखिरी सवाल मंत्री जी, मुस्लिमों को पार्टी के साथ जोड़ने का बड़ा अभियान चल रहा है, आपने निकाय चुनाव में बड़े टिकट भी दिए उत्तर प्रदेश में, उसका परिणाम भी मिला, लेकिन राहुल गांधी जी अमेरिका गए हैं सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने जो बयान दिया उसे आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का बयान एक विक्षिप्त बयान है, उनकी समझ में नहीं आता वो क्या बोले, क्या कह जाए और क्या कहने लगे, किसके बारे में, वो तो पुरु के हाथी है और अपनी ही पार्टी को कुचलने का काम कर रहे हैं। उनके बयानों से कांग्रेस के लीडर परेशान हैं और कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस का तमाम वोट राहुल जी से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी पे कमल पर देगा। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आप थे कौशल किशोर, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो एक विक्षिप्त मानसिकता प्रदर्शित करता है और उनके बयानों से परेशान होकर कांग्रेसी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। खैर, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK247 न्यूज़।